घर बड़ी मुश्किल से बनता है। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूँ। हरिया देखो कहा बतावत है मैया ले दिल तोड़ धीन कचूमर निकाल धीन। बेचारे बहुत जने जो बुलडोजर का समर्थन करते हैं वो तो थलिया में बुलडोजर का रखत है, पूजा अर्चना करते हैं, जय जयकार करते हैं। यहाँ ब्रजभूषण भैया तो फजीहता कर दीन। मामला भैया का बताई बस्ती का है जहाँ पर सांसद जी पहुंचे हैं और ब्रजभूषण भैया से पत्रकार सवाल पूछ ली कि आप क्या कहेंगे देवरिया वाली घटना को लेकर के। तो अधिकारियों पर ब्रजभूषण जी ने सवाल खड़े कर दिए और जब सीबीआई जांच की मांग हुई तो उन्होंने कहा कि मामला तो बिल्कुल खुला है, अगर कहूँ संदिग्ध मामला होता या कोई संदेह रहता तो सीबीआई जांच होती। वैसे भैया बाकी सरकार जाने तरीके सुनो, ब्रजभूषण जी बहुत कायदे से बता रहे थे कि देखो हम तो बुलडोजर के विरोधी हैं, ये बुलडोजर वाली नीति का हम समर्थन बिल्कुल नहीं करते हैं, घर आदमी बड़ी मेहनत से बनाता है। तनिक सुनो भैया, देखिए देवरिया की घटना कोई छोटी मोटी घटना नहीं है और हम समझते हैं हमारे पूर्वांचल की ये सबसे बड़ी घटना है, तो कहीं ना कहीं तो प्रशासन की लापरवाही है और घटना दुखद है। और जो ये लेट लतीफी का प्रकरण चल रहा है, मतलब एक एक प्रकरण एक एक अदालत पर 4 साल 5 साल खारिज दाखिल के लिए 2 साल 3 साल, ये उसी का परिणाम है। तो घटना बहुत दुखद है। डेलीगेशन गया था देवरिया में फतेहपुर में, उन्होंने सीबीआई जांच की मांग की, इस पर आप क्या करेंगे? सरकार विचार करेगी लेकिन हमको तो नहीं लगता कि उसमें कोई जांच की आवश्यकता है, वो तो खुला हुआ केस है। पहला मर्डर यादव का हुआ है और बाद में 5 मर्डर पंडित जी लोगों का हुआ है, खुला है। सीबीआई का जांच का सिर्फ एक प्रकरण है लटकाने का, और तो कोई नहीं है। पुलिस की जांच उसमें सक्षम है, सीबीआई की जांच ऐसे प्रकरण में की जाती है जिसमें कोई संदेह हो। ये तो खुला केस है, ये तो केवल कुछ लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, या हम बड़े नेता हैं तो हम बड़ी मांग कर रहे हैं। हर शासन प्रशासन की लापरवाही है भैया, सीबीआई जांच तो क्यों लटकाने के लिए है। अगर पुलिस चाहे तो भैया अति सक्षम है कि कार्रवाई कर सकती है। और बुलडोजर वाली नीति पर जब सवाल उठा तो तनिक सुनो का बता रहे थे कि देखो भैया इस नीति का तो हम शुरू से विरोध करते हैं, इस नीति का तो हम समर्थन ही नहीं करते हैं। तनिक सुनो भैया, बुलडोजर की राजनीति को बंद करने की बात कही है। मैं तो सदैव से इस राजनीति का विरोधी हूँ, मैं सदैव इस राजनीति का विरोधी हूँ। घर बड़ी मुश्किल से बनता है। हम सांसद हो भैया तो दमदार बिल्कुल भैया, ब्रजभूषण सरस सिंह जैसा जो बात कहा था बिल्कुल डंके की चोट पकाहत है। अब इस पर आपकी कारा कमेंट कीजिएगा, वीडियो शेयर करना खत्म भूलेगा, शम्मा साजी को समय लिखी दबाद बलंकस के और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। हमने कहा तनिक सुना दे भैया कि देवरिया वाली घटना पर ब्रजभूषण जी का बयान सामने आया है।